एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट 21st वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैं अपने चैनल पे वीक बाय वीक प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी सीरीज की सारे व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, मेरी एक्सपीरियंसेस, मेरी सिम्टम्स क्या क्या रहे थे, क्या क्या है, हर एक वीक का क्या क्या अपडेट है, वो सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं रिगार्डिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी, आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से, वहां पे वन बाय वन आप सारे मेरे वीडियोस जो है वो वहां से जाके चेक कर सकते हैं, प्लस मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप वहां से जाके एंजॉय कर सकते हैं। और लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लस आप मेरे चैनल का नाम जो है स्माइल विद शताब्दी से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएंगी। तो चलिए बिना लेट के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। 21 वीक आ चुका है, नाउ यू आर इन द लास्ट वीक ऑफ फिफ्थ मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी विच इज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फिफ्थ मंथ का लास्ट वीक है, बहुत ही बढ़िया होगा ये वाला वीक। एंड नाउ आप कदम रखने वाले हो नेक्स्ट वीक से इन योर सिक्स मंथ। तो बहुत ही खुशी खुशी ये सारे पल जो है वो आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, कुछ ही वीक्स बाकी रह गए हैं जब आप अपने बेबी को अपने गोद में लोगे। अभी 21 वीक हो चुकी है एंड बेबी का जो साइज है वो एक कैरेट की तरह हो चुका है। बेबी की जो लेंथ है वो है 10.51 इंचेस। अभी जो है आपका एब्डोमेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इट बिकम्स रियली बिग एनफ कि आप अपने बेबी बम्प को बहुत अच्छी तरीके से यू नो फ्लॉन्ट कर पाएंगे। मोर किक्स फ्रॉम योर बेबी दिस टाइम ऑनवर्ड्स। आप भी अगर ये फील करते हो ना इस टाइम पे, आपको एक अलग ही खुशी होगी, वो आप किसी को बयां नहीं कर पाओगे एज ए मम। तो आप जब भी कुछ चीज खाओगे ना खाने के बाद, लाइक आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर लंच किया, मेजरली मेरे केस में ये डिनर के टाइम पे ही होता था और इवेंचुअली इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर ये डिनर के टाइम पे ही मैंने ज्यादातर फील की है। लंच के टाइम पे मैंने फील की है, ऐसा नहीं कि लंच के टाइम पे मैंने फील नहीं किया है, बट इन डिनर टाइम यू विल फील मोर किक्स फ्रॉम योर बेबी जब भी आप अपना मील कंप्लीट करोगे। एंड देन लाइक आफ्टर हाफ एन आवर तक तो आप नॉर्मल रहते हो, उसके बाद आप सोने आते हो, राइट? आप जब सोने जाओगे ना खाना खाने के बाद, रिदमली आप फील करोगे अबाउट द बेबी किक्स। बेबी जो है वो किक करती रहती है आपको हर एक पोजिशन में, जो आपके पेट है ना, पेट के हर एक पोजिशन में आप कहीं ना कहीं फील करते हो बेबी किक को। तो ये बहुत प्यारा एक एहसास होता है उस टाइम पे। So, ऐसा कहते हैं कि इस टाइम से ना बेबी का जो टेस्ट बड्स है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सो बेबी जो है, जो भी खाना आप खाते हो ना, वो फ्लूइड के फॉर्म में इंटेक करना जो है बेबी शुरू कर देता है इस टाइम से। सो जो भी खाना आप खाओगे ना उससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्लीप में डिस्कम्फर्ट आप फील कर पाओगे, स्लीप का पोजीशन चेंज हो सकता है, आपको बारी बारी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ये तो कॉमन ही है। मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये सिंस फ्रॉम माय थर्ड मंथ या सेकेंड मंथ से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप एक चीज कर सकते हो कि जितना हो सके स्लीप में डिस्टर्बेंस का जो मेन मेजर फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको कम करने के लिए फ्लूइड का इंटेक जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए रात के टाइम पे। सोते वक्त आपको बैक पेन का इशू हो सकती है इस टाइम पे। बैक पेन का इशू कॉमन सिम्टम है बिल्कुल। आप जब सोते हो तो आप हॉट वाटर बैग का यूसेज कर सकते हो या फिर पिलो कवरेज करके अपने बैक में पूरी अच्छी तरीके से, ये आपका बैक है तो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे पिलो रख के अपने आप को थोड़ा सा पॉस्चर, स्ट्रेट पॉस्चर में रख के उसके बाद आप सो सकते हो। ऐसी छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो जिससे कि बैक पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके आपको। सो एज योर बेली बम्प इज ग्रोइंग, सो आपका स्किन जो है
स्ट्रेच हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग आप फील करोगे इन योर बेली सेक्शन। तो इससे बचने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करके रखें या फिर ऑयल अप्लाई करके रखें, जिसमें आप ये चेक करें कि पैराबेन फ्री हो। अभी हम बात करेंगे अबाउट द प्रिवेंशन ड्यूरिंग योर 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हो इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। नंबर वन, प्लीज आप क्रॉस लेग करके ना बैठे। टिल 19th वीक तक आप नॉर्मल थे, बेली बम्प या फिर बेबी बम्प जो है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, नॉर्मल थे आप, तो आप नॉर्मली लेग्स को क्रॉस करके आप ऐसे करके बैठ सकते थे। बट फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज़ अपने लेग्स को क्रॉस करके ना बैठे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एलिवेट योर लेग्स वेन एवर यू कैन। एक ही पोस्चर में बैठ के ना रहे, जब भी मौका मिले पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करें या फिर दोनों पैरों को किसी भी चेयर या टेबल के ऊपर डाल के रखें, ताकि आपके पैर जो है वो कंफर्ट लेवल में रहे एंड यू विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल व्हाइल इन द सिटिंग पोजिशन। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्लीज डू नॉट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर फोर्थ पॉइंट, प्लीज वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स इन योर प्रेगनेंसी जर्नी, बहुत जरूरी है। टाइट फिटिंग क्लोथ्स अभी से प्लीज बंद कर दीजिए, इट्स अ नो नो। जितना हो सके लूज फिटेड क्लोथ्स पहनिए, कंफर्टेबल वेयर पहनिए, जिससे आप बहुत ही कंफर्टेबली यू नो रह पाए। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो फुल बॉडी है ना, आपकी बेबी वेट, आपकी वेट, वो सारी बॉडी आपके पैरों में ही निर्भर है। आपके पैर में जो भी सैंडल्स आप पहनोगे, मेक श्योर कि वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हील्स पहनना अभी बंद कर दीजिए, हील्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जर्नी, तो प्लीज़ अवॉइड हील्स। जितना हो सके स्पोर्ट्स वेयर या फिर कंफर्टेबल स्लीपर्स अगर आप पहन सकते हो, जो कि स्पॉन्ज काइंड ऑफ होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट 21 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और टू ऑल द न्यू मॉमीज जो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस के उस राह पे है, सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलूंगी मैं फिर से नेक्स्ट वीक के अपडेट को लेके। होप कि ये ब्लॉग जो है वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारी लेडीज को यू नो हेल्पफुल हो सके। और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा विद द बेल आइकन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। Love you all. Bye.